हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीपैट डिस्कशन सेंटर। क्या आप सभी जानते हैं स्टरलाइजेशन टेक्निक कितने टाइप्स के होते हैं, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं और कौन कौन से उसके एग्जांपल्स हो जाते हैं? तो आइए जानते हैं। इस वीडियो में एक ट्रिक के साथ पढ़ेंगे जितने भी स्टरलाइजेशन टेक्निक्स होते हैं, इन सभी को एक ट्रिक के द्वारा कवर करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन टेक्निक्स के। जब स्टरलाइजेशन की बात करें तो मैं स्टार्टिंग आपको बता दूं स्टरलाइजेशन होता क्या है। स्टरलाइजेशन क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी सब्सटेंस को पूरी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर फ्री बनाने जा रहे हैं, ठीक है, उसे पूरी तरीके से क्या करेंगे, उनमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसे क्या करेंगे, जब हम पूरी तरीके से क्लियर करेंगे, क्लीन करेंगे, इस टेक्निक्स को बोला जाएगा स्टरलाइजेशन टेक्निक। ठीक है, क्लियर है आपको। जब स्टरलाइजेशन टेक्निक की बात करें तो टोटल कितने टाइप के स्टरलाइजेशन टेक्निक होते हैं? टोटल तीन टाइप के स्टरलाइजेशन टेक्निक होते हैं। पहला फिजिकल, सेकंड केमिकल और थर्ड की बात करें जो हो जाता है आपका मैकेनिकल। फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल, देखिए समझिएगा, फिजिकल का मतलब क्या होता है, जब हम किसी फिजिकल मेथड का यूज कर रहे हैं, किसी फिजिकल फैक्टर को जब हम इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने टेक्निक में। और केमिकल की बात करेंगे जब हम किसी केमिकल एजेंट का यूज कर रहे हैं, और मैकेनिकल मतलब जब हम किसी मैकेनिकल ऑब्जेक्ट का क्या कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे टोटल तीन टाइप के इनके मैकेनिज्म हो गए, तीन टाइप के क्या हो गए, कैटेगरीज हो गए। और आते हैं इनके एग्जांपल्स पे, किस कैटेगरी में कौन से टेक्निक इन्वॉल्व होते हैं। तो टेक्निक्स को, इन टेक्निक्स को क्या स्टडी करने के लिए, इन टेक्निक्स को लंबे समय तक के लिए याद करके रखने के लिए मैं आपको ट्रिक के साथ इसे समझाने जा रहा हूँ। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए। जब हम फिजिकल मेथड की बात करते हैं तो इसमें टोटल चार टाइप्स के टॉपिक या टोटल चार टाइप्स के इसमें कैटेगरी आ जाते हैं। पहला सनलाइट, दूसरा हीट, फिर आ जाते हैं वाइब्रेशन और लास्ट में आ जाएंगे रेडिएशन। देखिए समझिएगा, सब नाम से ही क्लियर है। अगर सनलाइट की बात करें तो क्या होगा, सनलाइट यानी यूवी रेडिएशन, सन से आने वाले लाइट्स के द्वारा क्या करेंगे, हम स्टरलाइजेशन का काम करते हैं। हीट की बात करें तो हम क्या करेंगे, उसमें हीट अप्लाई करेंगे। वाइब्रेशन की बात करें तो वाइब्रेशन मेथड के द्वारा स्टरलाइजेशन करते हैं। और जब रेडिएशन की बात करूं तो किसी रेडिएशन, किसी रेस का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ही स्टार्ट करते हैं हीट से। तो देखिए हीट कितने टाइप के होते हैं, टोटल दो टाइप के हम हीट यूज कर सकते हैं। पहला जो हो जाएगा ड्राई हीट और दूसरा हो जाएगा वेट हीट। ड्राई हीट और वेट हीट दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना रहता है, ड्राई हीट में क्या मॉइस्चर एब्सेंट रहता है, बट मॉइस्ट हीट नाम से ही कंफर्म है, इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा वो हो जाएगा मॉइस्ट हीट, और ड्राई हीट की बात करें तो ये हो जाएगा जिनमें मॉइस्चर एब्सेंट रहता है। ठीक है, क्लियर है आपको। ड्राई हीट की बात करें तो ड्राई हीट में टोटल चार टाइप के टेक्निक्स आते हैं। इन टेक्निक्स को एक ट्रिक के द्वारा समझते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक है फायर हॉट। ठीक है, एफ आई आर, फायर और हॉट। फायर से याद रखेंगे, एफ से हो जाएगा फ्लेमिंग, आई से हो जाएगा इंसिनरेशन, आर से हो जाएगा रेड हीट और हॉट से हो जाएगा हॉट एयर ओवन। ठीक है, इस टॉपिक, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं ड्राई हीट के जितने भी टेक्निक्स हैं इसे। ठीक है, जब हम मॉइस्ट हीट की बात करें तो मॉइस्ट हीट मैंने क्या बताया था, इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा। मॉइस्ट हीट को जब हम कंप्लीट करते हैं, मॉइस्ट हीट का जब ऑपरेशन करते हैं, जब इस टेक्निक से चलते हैं, तो अपने पास टोटल तीन कंडीशंस आ जाते हैं। एक ऐसा कंडीशन जहां हम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम लेंगे, दूसरा टेक्निक जब हम 100 डिग्री के इक्वल टेम्परेचर लेकर चलेंगे, और तीसरा टेक्निक जब हम टेम्परेचर कितना रखेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो इसे एक कहानी के द्वारा समझते हैं। तो कहानी क्या हो गया, कहानी में एक कैरेक्टर है। कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर है आईपीएस ऑफिसर, याद रखेंगे आईपीएस ऑफिसर है। इनका हमें क्या करना है, इस कहानी के द्वारा हमें इसे समझना है। तो जो आईएएस ऑफिसर हैं इनका क्या है, पहले हम बात करें, जब 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे की बात करते हैं, जब 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे पर जब हम ऑपरेट कर रहे हैं तब हमें कैसे कोरिलेट करना है। ये जो आईपीएस ऑफिसर हैं इनका बीपी लो है, मतलब बीपी लो है, और साथ ही साथ इनका टेम्परेचर लो है, मतलब क्या है, अभी नॉर्मल स्टेज में है। तो हमें क्या करना है, 100 बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम बात करते हैं तो ये आईपीएस ऑफिसर आ जाते हैं। तो आईपीएस, ये तीन लेटर तीन अलग अलग टेक्निक्स को क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। एस से आ जाता है स्टीम, पी से पास्टुराइजेशन, और आई से हो जाएगा इंस्पीसेशन। ठीक है, आईपीएस हो गया, इंस्पीसेशन, पास्टुराइजेशन और स्टीमिंग। ठीक है, ये तीन मेथड हो गए जिसमें क्या हो गया, आईपीएस ऑफिसर ये इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, अपने घर में क्या किए,
बॉयल करते हैं, टी बॉयल करते हैं, ठीक है, टी करेंगे, अपने लिए चाय बनाएंगे, तो क्या हो गया, टी बॉयल करते हैं। और टी बॉयल कब कर कितने में करते हैं, टेम्परेचर में 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो एट 100 डिग्री सेल्सियस की जब बात करता हूं मैं, तब आ जाता है कौन सा ट्रिक, टी बॉयल करने का काम करते हैं। तो टी से आ जाएगा टिंडलाइजेशन और बॉयल से आ जाएगा बॉयलिंग, ठीक है। ये अपने लिए चाय बना लिए, बट अब क्या हुए, चाय बनाते बनाते क्या हो गया, ये लेट हो गया ऑफिस जाने के लिए, क्या हो गया, इन्हें लेट हो गया, विलंब हो गए। तो अब क्या करेंगे, अब ये लेट हो गया, इनका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और गुस्से में आने के कारण इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हम ऐसा कोरिलेट कर सकते हैं कि इनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गुस्से के हो गए। और अपना सारा गुस्सा किसके ऊपर निकालेंगे, ऑटो वाले के ऊपर निकालेंगे कि भाई तुम जल्दी गाड़ी चला, मेरे को ऑफिस जाना है। तो यहाँ हो जाएगा नेक्स्ट ट्रिक ऑटो वाला, ऑटो वाला से हमें याद रखना है ऑटो क्लेव, और कितना डिग्री रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब गुस्सा हो गया, गुस्से में इनका टेम्परेचर बढ़ गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गए, और सारा गुस्सा किसके ऊपर निकाले, ऑटो वाला, या बोला जाए ऑटो क्लेव, ठीक है, आपको ट्रिक याद होगा यहाँ से। नेक्स्ट जब हम आते हैं रेडिएशन की बात करते हैं, तो रेडिएशन में दो टाइप के रेडिएशन यूज कर सकते हैं, एक आयोनाइजेशन रेडिएशन, दूसरा होता है नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन। आयोनाइजेशन रेडिएशन की अगर मैं बात करूं, ये हायर एनर्जी के रहते हैं, इनका एनर्जी पावर बहुत ज्यादा रहता है, पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा रहता है। ये क्या करते हैं, जो टारगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं उनके एटम्स को क्या करेंगे, उनके अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। बट अगर नॉन आयोनाइजेशन की बात करूं तो इनका पेनिट्रेशन पावर कम रहता है, इनमें आयोनाइजेशन पावर बहुत कम रहता है। अगर हम इसे अगर किसी ऑब्जेक्ट पर टारगेट कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, उनके जितने मॉलिक्यूल्स, उनके जितने एटम्स रहेंगे, उन्हें ये उनके अरेंजमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्लियर होगा आपको आयोनाइजेशन और नॉन आयोनाइजेशन, ठीक है। आयोनाइजेशन को समझने के लिए एक ट्रिक की बात करते हैं, गामा के एक्स का नाम था आयोनी, ठीक है, आयोनी से आपको याद रखना है आयोनाइजेशन, और गामा से याद रखना है गामा रेस, एक्स से हो गया एक्स रेस, ठीक है। इस तरीके से आपको आयोनाइजेशन रेडिएशन याद रखना है। नॉन आयोनाइजेशन के लिए आपको कुछ नहीं, सिंपल सा दो टाइप के आते हैं, एक इंफ्रारेड आयोनाइजेशन और दूसरा होता है अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज आते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका रेडिएशन। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट केमिकल की जब बात करते हैं, तो केमिकल क्या हो जाएंगे, इसमें वो एजेंट्स आ जाते हैं जिनमें केमिकल एजेंट्स, वो टेक्निक जिसमें केमिकल एजेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। केमिकल की बात करें तो टोटल अपने पास कितने टाइप के केमिकल हैं, टोटल दो टाइप के केमिकल हो जाते हैं, गैस और लिक्विड, ठीक है। गैस और लिक्विड इस फॉर्म में हम क्या यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं। जब मैं बात करूं गैस की, तो गैस के लिए, गैस को हमें याद रखने के लिए एक ट्रिक का जरूरत पड़ेगा, ट्रिक है बीईओ फेल। इसका मतलब क्या हो गया, जो बीओ है, जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, वो क्या करते हैं, फेल कर देते हैं एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में क्या करेंगे, फेल कर देते हैं। तो हमें याद रखना है बी से हो जाएगा बीटा प्रोपियोलैक्टोन, ई से हो जाएगा इथाइलिन ऑक्साइड, ओ से हो जाएगा ओजोन O3, और एफ से क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। ट्रिक याद रहेगा आपको, बीओ क्या करते हैं, फेल करते हैं गैस की बात करें तो। नेक्स्ट आते हैं जब हम लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड में हमें कौन सा टॉपिक, कौन सा ट्रिक याद रखना है, आप हैं सुपर डेड, ठीक है, इस टॉपिक को याद रखना है, इस ट्रिक को याद रखना है। इसमें क्या हो गया, जो पहला ए है, पहले ए से हो गया एल्कोहल, सेकंड ए से हो गया एल्डिहाइड, पी से हो गया फिनॉल या फिनोलिक डेरिवेटिव, पहले एच से बात किया जाए हेलोजन आ जाते हैं, सेकंड एच में आ जाएगा हैवी मेटल्स, ठीक है, सुपर डेड, एस और डी बचे हैं, एस से हो गया सर्फेक्टेंट या सरफेस एक्टिव एजेंट, और जब डी से बात किया जाए तो डी से आ जाते हैं डाइस, ठीक है, याद करेंगे डाइस आ जाते हैं। डाइस क्या होते हैं, स्टेनिंग के लिए यूज होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बैक्टीरियल सेल या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल को क्या करते हैं, स्टेन करने का, कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, स्टेरिलाइज कर सकते हैं। तो आपको ये ट्रिक याद हो गया, आप हैं सुपर डेड, ठीक है, आप हैं सुपर डेड, इससे जितने भी लिक्विड डिसइंफेक्टेंट या बोला जाए स्टेरिलाइजिंग एजेंट है, ये आ जाएंगे इस कैटेगरी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिकल की, जब मैं मैकेनिकल की बात करूं तो मैकेनिकल में क्या आ जाता है, फिल्ट्रेशन मेथड आ जाएगा, ठीक है, फिल्ट्रेशन मेथड आ जाएगा, और फिल्ट्रेशन मेथड को, इसके अंदर आने वाले टेक्निक्स, इसे याद करने के लिए हम एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं, MSC इन कंप्यूटर, या बोला जाए SMS किया कंप्यूटर से, ठीक है। तो कैसे कोरिलेट करेंगे, जो आप हैं सुपर डैड, ये जो सुपर डैड हैं, जो डैड हैं, ये क्या किए हैं,
एसएमएस किए हैं कंप्यूटर से, तो एसएमएस से आ जाएगा पहले एस से आ जाएगा सिज फिल्टर, एम से आ जाएगा मेम्ब्रेन फिल्टर, सेकंड एस से आ जाएगा सिंटर्ड ग्लास फिल्टर और कैंडल फिल्टर हो जाएगा कंप्यूटर। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे, कैसे कोरिलेट करेंगे इन दोनों मेथड्स को, आप हैं सुपर डैड जिन्होंने फिलहाल में अभी अभी क्या किया है, एसएमएस किया है, किससे किया है, कंप्यूटर से। कंप्यूटर को आप कोरिलेट करेंगे मैकेनिकल मेथड से, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है, एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो आपको ये टेक्निक कैसा लगा, आपको ये ट्रिक कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स को ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए जुड़े रहिए जीडीसी ट्यूटर के साथ। थैंक यू सो मच।